करप्ट किसान नहीं होता है, क्योंकि वो मेहनत करना चाहता है, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो चाहे दुनिया का कोई भी अरबपति आदमी हो, इस दिमाग में रख लीजिए कि पैसे खाना होना तो शायद आप एक दिन जिंदा नहीं रहे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। किसान आंदोलन अभी भी जारी है और समय के साथ साथ कई चेहरे किसान आंदोलन के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं और अब भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं, उनके आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि अगर किसान अन्न नहीं उपजाएंगे तो क्या हम, आप या फिर अंबानी अडानी जैसे लोग पैसा खाकर जीवित रहेंगे? क्या कुछ कहा है खेसारी लाल यादव ने, आप सुनिए। बिल्कुल किसान आंदोलन को समर्थन करेगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं करप्ट किसान नहीं होता है, क्योंकि वो मेहनत करना जानता है। सर, टेबल पे बैठ के हम लोगों के बारे में सोच लेते हैं, कभी किसान के खेत में जाकर सोचिए तब समझ में आता है कि अगर हम जिंदा हैं तो उसी धान के बदौलत, उसी गेहूँ के बदौलत, उसी चावल के बदौलत, उसी दाल के बदौलत, क्योंकि हमारे पास अरबों, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो चाहे दुनिया का कोई भी अरबपति आदमी हो, इस दिमाग में रख लीजिए कि पैसे खाना होना तो शायद आप एक दिन जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन अन्न अगर मिले तो शायद आप आजीवन जिंदा रह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जे किसान को उसके हक की चीज़ मिलनी चाहिए, और वही कहानी हम लोगों ने लिट्टी चोखा में पिरोया है, और हमारे डायरेक्टर की सोच है, हमारे राइटर राकेश त्रिपाठी जी की सोच है, हमारे पदम भैया की सोच है, हमारे प्रदीप शर्मा जी की सोच है, काजल रखवानी की सोच है, खेसारी की सोच है, उसमें जितने करेक्टर हैं सबकी एक अलग अलग सोच है, सबने अपने विचारधारा को रखा है और हम सबके सुन के काम किए हैं, तो मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी साबित होने वाली। तो आपने खेसारी लाल यादव को सुना, किसानों के समर्थन में बात कर रहे थे। दरअसल उन्होंने ये बातें अपने फिल्म लिट्टी चोखा के ट्रेलर लॉन्च पर कही थी। कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव की ये फिल्म लिट्टी चोखा किसानों पर ही आधारित है, और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप किसानों के समर्थन में हैं, क्या आप उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं, तब जाकर खेसारी लाल यादव ने ये बातें कही। ये कहा कि जब थाली में रोटी आती है उस वक्त कितना अच्छा एहसास होता है वो कोई नहीं बता सकता। किसानों का दर्द तभी समझा जा सकेगा जब आप किसानों के तौर पर सोचेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि एक टेबल पर बैठकर हम ये फैसला नहीं ले सकते हैं कि किसानों के लिए क्या बेहतर है और क्या गलत है। अगर किसान अन्न नहीं उपजाएंगे तो हम और आप या फिर जो भी बड़े लोग हैं अंबानी और अडानी जैसे, क्या वो पैसे खाकर जीवित रहेंगे? तो खेसारी लाल यादव किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि किसान गेहूं चावल उपजाता है तभी देश चलता है, वरना आपके पास कितने भी पैसे हो जाएं, जब तक आपकी थाली में अन्न नहीं जाएगा तो आप पैसे खाकर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए किसानों के समर्थन में हमें आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि किसान को राजनीति नहीं आती है, वो तो बस उपजाना जानते हैं और उनके उपज की वजह से ही देश में लाखों करोड़ों लोग अपना पेट भर पाते हैं। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।